तो बहुत दिनों बाद नई वीडियो आ रही है हमारी YouTube चैनल पर, जो है फिलहाल मैं जयपुर विश्वकर्मा इंजीनियरिंग के पास आ चुका हूँ, क्योंकि इसकी टीम में बैंड था तो वो बैंड निकलवाएंगे आज। ये मेरे पास गिर गई थी, दो बार गिर गई इसलिए बैंड पड़ गया था। ये देख सकते हो आप, यहाँ से देखते हो तब नहीं दिख पाता है लेकिन अंदर का है। जो ये बोल रहे हैं कि ये दोनों चोकरों में बैंड है ना, ये दोनों चोकरों का बैंड निकलेगा तो कर लेते हैं। आलू के रजमो जो अतरा बनी है आलू को ना अपन धीरे धीरे ज्यादा हां इको ही बना लियो आप, मैं बना लियो इको ओ तो कहां दिखा। तो गाइस जैसे कि हमारे भाई ने कोई रहे सोकर जैसे मरकांट को लेगी कुछ सोकर को लेंगे, सभी वोल्टों को ओपन कर रहे हैं वो, तभी जाकर कुछ काम हो पाएगा। भाई जी इसमें बैंड तो पहले से पड़ा हुआ था, मैंने शोरूम में बताया तो शोरूम वालों ने इसे बोला कि इसमें टीम में बैंड है तो वो निकलवाना पड़ेगा आपको, तो मैं चला गया जयपुर। और ब्रो तो खोलने आगे का टायर खोलने की जरूरत है, बाकी पीछे का कोई जरूरत नहीं है, देखते हैं देखिए निकाल पाते हैं नहीं। वैसे भी विश्वकर्मा है बहुत फेमस शॉप यहाँ की, मालपुर गेट के पास ही है। तो यहाँ से ब्रो ओपन कर रहे हैं और कुछ हम चल रहा है, काम फिलहाल चल रहा है गाइज। तो जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। हालांकि मैं वीडियो बहुत कम डालता हूँ लेकिन अब से कंटिन्यू करूँगा, हर वीडियो में ऐसे बोल रहा हूँ। लेकिन देखो स्प्लेंडर की अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए ना तो वो वीडियो सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब बोल दो सॉरी। तो ब्रदर अभी खोल रहे हैं इसको, तो इसके टीका बैंड आज निकलवा के रहेंगे, बोलते हुए टीके ले रहे हैं लेकिन मेरे को लगता नहीं है, देखते हैं फिर क्या होता है। अभी मरगाड़ नीचे निकाल रहे हैं, यहाँ पर जो छोकर है ना दोनों, ये दोनों छोकर बाहर निकल कर हैं, तब जाकर कुछ बात बनेगी। देखो मैं प्रॉपर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सबको दिखना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि कैसे क्या काम हो रहा है। बाकी तो गाइस तो आप देख सकते हो टायर निकल चुका है, कुछ होकर चलेंगे ऐसा अनाउंस, और बाकी का जो प्रोग्रेस हो रहा है पता शो कलेक्शन में जाए तो। बैंड एंड थोड़ी आओ जाम जल्दी जी भाई जी। तो गाइस जैसा कि आप ये लोग देख रहे हो पराडो के ऑरेंज कलर मिले हैं जो कि स्पेनर पे बहुत अच्छे लगते हैं, हालांकि इसके पास में दुकान थी तो मैं देख रहा था कि देखिए एक बार ट्राई मारते हैं कितना क्या है, कभी ना कभी हमारी लानी पर जरूर लगवाएंगे। फिलहाल अभी तो क्या है ना यही बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, इसलिए मैं ये चेंज नहीं करवा रहा हूँ। बाकी ये आप देख सकते हो जो ओरिजिनल और नोकलिन में दो आते हैं कंपनी की मोर होती है वो यहीं पर लिखी होती है, लिखा हो ना जैसे प्राइडो इंडियन, ये देखना जरूरी है। अगर ये नहीं लिखा हुआ तो ये सोच लेना कि वो नकली है, फिलहाल के लिए तो सही है। और ये भारी भी बहुत है, बाकी इन्हें बैंड एंड कुछ नहीं आता, मैंने भैया से पूछ लिया, नो डाउट बहुत अच्छे लगते हैं इसका तो स्पेंड बहुत, लेकिन ये हमारे जो पहले वाले हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, कभी ना कभी चेंज करवा लेंगे जब हमारा अच्छा मूड होगा। हालांकि आप देखिए उसकी प्राइस है वो 7,500 रुपये ऑन रोड प्राइस की, तो आई थिंक मेरे को लगता है कि इतने के आएंगे। तो भैया ने अभी दोनों शोकर खोल लिए हैं और उस दुकान को लेके जाने के लिए मैं कल पहुँच गया है। जो बाकी जो आपको मशीन दिख रही है देखो पहले से भी शोकर का बैंड निकाल जा रहा है, ये जो मशीन है इस मशीन से शोकर का बैंड निकलता है। तो मैं हमारा शोकर स्टॉप भैया के पास है, ये निकालने में इससे खाली थोड़ा सा जोड़ लगाना है, जहाँ पर बैंड है वहाँ से जोड़ लगाना है, वो बैंड सीधा इसका बैंड निकल चुका है। तो ये बोलते रहे कि है इनमें बैंड, लेकिन मेरे को लगता नहीं, देखते हैं क्या होता है। बाकी भैया देख सकते हो आप वहाँ पे फिटिंग होना शुरू हो गई है, क्या होता है वो छोकर हमारे हाथों में आ चुके हैं, तो करवाते हैं जल्दी से फिटिंग। और किसी भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करा ले, इनकी प्राइस है 350 रुपये लगेंगे और